हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है और पहली बार किसी ने यूट्यूब पर इस टाइप का टॉपिक बताया। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि कल मैंने जो यूनिक टॉपिक दिया था, एक अलग क्वालिटी का, और उसमें मैं कोशिश किया था कि आपको कुछ नया सिखा सकूँ, उसी तरह से मैं इसमें भी कुछ नया सिखा रहा हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए, आज मैं इसको बता रहा हूँ कि बिना प्रीसेट वाले बोर्ड को, ये मेगा का 150 वाट है। देखिए, S150 भी मेगा कंपनी है, ये 150 वाट का बोर्ड है। हालांकि हमें इस बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है कि ये 20 वाट है, 50 वाट है, 100 वाट है, 150 वाट है, 250 वाट है, 500 वाट है या 1000 वाट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे वाट से कोई लेना देना नहीं है। बस हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो बाइसिंग वोल्टेज इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर को मिलता है, ये सिग्नल ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। यहाँ आप इसका नंबर देखिए, 100B, 100 नंबर का ये ट्रांजिस्टर है और NPN ट्रांजिस्टर है। इसको चलाने के लिए सिर्फ इसमें सिग्नल देने से ये नहीं चलता है, इसको थोड़ा सा बाइसिंग वोल्टेज की आवश्यकता होती है। उस थोड़े से बाइसिंग वोल्टेज को देने के लिए सबसे पहले मान लीजिए किसी किसी बोर्ड में इस टाइप का प्रीसेट लगा है। यहाँ 47 किलो ओम्स का प्रीसेट है, कोई 4K7 का भी प्रीसेट लगा हुआ होता है। जैसा कि देखिए, इस बोर्ड में 4K7 का प्रीसेट लगा है, यहाँ आप देख सकते हैं। एक अलग बोर्ड है, देखिए इस बोर्ड में, ये अहूजा का है ओरिजिनल, इसका कंपोनेंट्स बहुत ही हेवी क्वालिटी है। यहाँ देखिए 4K7 प्रीसेट लगा हुआ है। इस प्रीसेट का चुनाव हम कैसे करेंगे, इस पर एक अलग टॉपिक मैं बनाकर दिखाऊंगा कि किस बेस ट्रेबल बोर्ड में कितना ओम का प्रीसेट होना चाहिए। तो उसको छोड़िए, उसको हम कल देखते हैं। आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि देखिए, यहाँ प्रीसेट नहीं है, ना ही कोई प्रीसेट का होल्स है। 3 होल होते हैं एक प्रीसेट के लिए। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, हालांकि 2 रेजिस्टेंस, एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में और ये है 22 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस या 20 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस। दोनों में से 10 किलो ओम्स और 20 किलो ओम्स दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। और दोनों लगाने की वजह क्या है, बस थोड़ी सी पॉजिटिव वोल्टेज, ये प्लस वाला पिन है। सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ कि इस कंडेंसर से आप पॉजिटिव निगेटिव का खोज कीजिए। और उसके बाद देखिए, इसमें यहाँ 4060 डायोड लगा हुआ है, यहाँ 12 वोल्ट देने पर डायोड के माध्यम से यहाँ आएगा 12 वोल्ट, और इसी 12 वोल्ट से आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 किलो ओम्स और 20 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा करके ये जो सिग्नल आउट हो रहा है यहाँ पर, ये सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के, जो 100 नंबर का ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर से एक कंडेंसर लगा है, ये वाला कंडेंसर। इस कंडेंसर की वैल्यू मैं आपको साफ साफ दिखा दूँ, 16 वोल्ट 100 माइक्रोफेराड। देखिए 16 वोल्ट 100 माइक्रोफेराड से इसका सिग्नल आया और सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से 16 वोल्ट 100 माइक्रोफेराड के कंडेंसर से यहाँ आया। और यहाँ पर देखिए निगेटिव से भी थोड़ा सा वोल्टेज, ये आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू मैं आपको बता दूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले इधर ये प्लस वोल्टेज आया हुआ है, प्लस 12 वोल्ट है, ठीक है। तो प्लस 12 वोल्ट से 4 किलो ओम का प्रीसेट लगा करके, या 10 किलो ओम्स का प्रीसेट, या 47 किलो ओम, जो भी प्रीसेट लगाना हो आप लगाइए। उस प्रीसेट के बदले में 10 किलो ओम और 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस दोनों का हम आपको चेक कराते हैं कितना वैल्यू दे रहा है। देखिए मल्टीमीटर 200 किलो ओम में सेट किया गया है, हालांकि इसको 20 किलो ओम में सेट करते हैं। यहाँ 20 किलो ओम में मल्टीमीटर सेट करके इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू बढ़ रहा है धीरे धीरे, लगभग 5 किलो ओम्स के आसपास जाएगा। अब देखिए वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये लगभग 5 से 6 किलो ओम्स के आसपास जाएगा। ये 6 किलो ओम्स देखिए पहुंच चुका है और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 7 किलो ओम्स के आसपास पहुंच जाएगा। तो अब देखिए निगेटिव साइड है, यहाँ से निगेटिव आया है, ये निगेटिव प्रिंट है, ये निगेटिव है, माइनस है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस यहाँ आया हुआ है,
और यहीं से सिग्नल आउट होता है जो हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर जाता है। मान लीजिए कि ये 3773 ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, या मान लीजिए ये 3055 है, दोनों मान लीजिए, अधिकतर 3055 यूज होता है। तो 3055 के जो बेस पर सिग्नल आएगा, इसके बेस पर जो सिग्नल आएगा, यहाँ से मैं दिखा दूँ, यहाँ से जो इसका सिग्नल आ रहा है, इस पर एक माइनस से कॉमन से लगभग 3 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस दिया गया है, और पॉजिटिव से प्रीसेट न लगा करके एक 10 किलो ओम्स और एक 20 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस डबल समानांतर करके लगाया गया है पैरेलल में, तो उसकी वैल्यू लगभग 6 किलो ओम्स आ रहा है। तो पॉजिटिव से 6 किलो ओम्स और निगेटिव से 3 किलो ओम्स या 3.2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस लगा करके इसका बेस बायसिंग वोल्टेज बनाया गया है। ये सिग्नल जो 100 नंबर का ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर से एक कंडेंसर के माध्यम से यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ बेस बायसिंग के लिए प्लस और माइनस थोड़ा थोड़ा वोल्टेज दिया गया है, ताकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर, वो आसानी से चल सके। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब इसका कनेक्शन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस रेजिस्टेंस को हटा करके, मान लीजिए कि ज़्यादा हमिंग आ रहा हो, आपके बेस ट्रिबल बोर्ड ज़्यादा हमिंग दे रहा है, और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर अगर गर्म हो रहे हों, ड्राइवर ट्रांजिस्टर गर्म होने का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव यानी प्लस 12 वोल्ट की वोल्टेज थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है, मतलब उस वोल्टेज को कम करना है, तभी आप जो हीट हो रहा है ये ट्रांजिस्टर, उसकी हीटिंग की समस्या ख़त्म होगी। तो चलिए इसको हम हटा करके एक प्रीसेट लगाएंगे, और इसका वैल्यू, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसा कि हमने चेक किया, अभी भी चेक करके आपको दिखा सकता हूँ, जैसा कि इसका वैल्यू हम चेक करते हैं तो लगभग हमें 5 किलो ओम्स मिलेगा। यहाँ देखिए अभी 4 किलो ओम्स पहुँच चुका है, और ये 5 किलो ओम्स से ज़्यादा होगा, लगभग 6 किलो ओम्स के आसपास पहुँचेगा। तो यहाँ हमें 6 किलो ओम की जो मैचिंग मिली है, आप देख लीजिए, मान लीजिए कि यह 6 किलो ओम्स पहुँच गया, तो हमें 6 किलो ओम्स की इसकी वैल्यू मिली है, 12 वोल्ट प्लस से इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर सिग्नल पर जा रहा है, तो उसी के हिसाब से 6 किलो ओम का कोई प्रीसेट नहीं आता है, तो उसके जगह पर आप 10 किलो ओम्स लगाइए, या 20 किलो ओम्स लगाइए, या 47 किलो ओम्स लगाइए, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, 47 किलो ओम्स तक ही काम करेगा प्रीसेट। आप इस पर अगर 10 किलो ओम का लगाते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा, या 20 किलो ओम का लगाते हैं तो उससे भी अच्छा होगा। 20 किलो ओम्स इसकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। कुछ कुछ बीटी बोर्ड में यहाँ माइनस से भी प्रीसेट लगा हुआ होता है, तो माइनस में तो 3 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है, उसको छोड़िए, उसे मैं सिर्फ पॉजिटिव प्रीसेट के बारे में बात कर रहा हूँ, कि अधिकतर कंपनियाँ पॉजिटिव प्रीसेट ही देती है। तो चलिए पॉजिटिव प्रीसेट से ही हमारा इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर का हीटिंग समस्या ख़त्म होगा। तो चलिए इसके बारे में मैं एक 47 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, जिसको प्रीसेट भी बोलते हैं, इसको लगा करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हटाना है। इस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए देखिए, हमने सोल्डिंग करके इसको हटाया, और हालांकि ये जो वायर लगा है, इसको हमने खुद लगाया है, पहले नहीं लगा हुआ था, पहले दो रेजिस्टेंस लगा हुआ था। तो चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले दो पिन प्रीसेट का एक साथ शॉर्ट होगा, और एक पिन अकेला होगा, किसी भी साइड शॉर्ट कीजिए, या तो देखिए इस पिन और इस पिन को दाएं साइड शॉर्ट कीजिए, या इस दोनों को शॉर्ट कीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, एक अकेला और दो एक साथ। यहाँ देखिए ये वाला पिन अकेला होगा, डायरेक्ट ये 12 वोल्ट प्लस आ रहा है, ये अकेला होगा, और ये जो बायसिंग वोल्टेज और यहाँ से सिग्नल आउट हो रहा है, इस पिन को हम डबल करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जिधर दोनों पिन डबल हो रहा है, वहीं ये बीच वाला पिन होगा, इसी के नज़दीक होगा। तो चलिए इसको हम डायग्राम से देखेंगे, पहले इसका कनेक्शन हम कर लें। इस टाइप का कनेक्शन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं खड़ी करती है, आप नॉर्मल इसे कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ कनेक्शन हो चुका है, आप ध्यान से देखिए, दो पिन इधर से आप देख सकते हैं, दो पिन एक साथ शॉर्ट किया गया है, ये जो दोनों पिन है एक साथ शॉर्ट किया गया है, और इस
ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जो सिग्नल आउट हो रहा है उस पर गया हुआ है, और जो सिंगल पिन है ये 12 वोल्ट पॉजिटिव पर है, प्लस पर है, और इस सिंगल पिन से दूर रखना है इस बीच वाले पिन को, जो ये बीच में इसका सेंटर वॉल्यूम है, इसको हम जिधर दोनों शॉर्ट किया गया है उसी तरफ रखेंगे, हमेशा इस बात को ध्यान देना है। तो यही रहा इसका कनेक्शन कि आप प्रीसेट से कैसे इसका कनेक्शन करें। चलिए अब मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बताता हूँ। ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है, 12 वोल्ट प्लस, ठीक है, और ये मान लीजिए निगेटिव है, निगेटिव है या कॉमन है। अब आप यहाँ अगर प्रीसेट लगाना चाहते हैं और बीच में मान लीजिए कि सिग्नल है, बीच में मान लीजिए कि ड्राइवर सिग्नल है, ये ड्राइवर सिग्नल है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो एक प्रीसेट यूज करेंगे हम। सबसे पहले उस प्रीसेट की क्वालिटी देखिए कैसे होगा। मान लीजिए कि ये एक प्रीसेट है, ठीक है। प्रीसेट में तीन पिन होते हैं, तीन पैर होते हैं, दो पिन को एक साथ शॉर्ट करना है और एक को छोड़ देना है सिंगल। या तो इधर शॉर्ट कीजिए इसको फ्री छोड़िए, या इसको शॉर्ट कीजिए इसको फ्री छोड़िए, आप दोनों थ्योरी कोई भी अपना सकते हैं। जो सिंगल है इसको हम ड्राइवर सिग्नल से लगा देते हैं, ठीक है, और जो यहाँ शॉर्ट हुआ है इसको हम डायरेक्ट 12 वोल्ट पॉजिटिव से जोड़ दिए। इस प्रीसेट की वैल्यू होगी मान लीजिए कि 47 किलो ओम। इस प्रीसेट की वैल्यू। अब रहा बीच वाले सेंटर पिन को हम कहाँ सेट करेंगे। सबसे पहले जिधर दोनों पैर इसका शॉर्ट हुआ है, दोनों कनेक्शन एक साथ हुआ है, उसी तरफ इस बीच वाले जो इसका पिन होता है, पैर होता है, बीच वाला जो बैलून घुमाने वाला होता है, उसको हम जिधर शॉर्ट हुआ है इसी पिन की तरफ रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप दूसरी तरफ ये भी कनेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है और निगेटिव है, जिसे कॉमन कहते हैं, और एक प्रीसेट यहाँ है, इसका भी तीन पैर है, और ये तो इस साइड शॉर्टिंग हुआ है। अब मान लीजिए कि ये ड्राइवर सिग्नल है, सिग्नल है बीच में, तो हमें निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, निगेटिव पर रेजिस्टेंस पहले से लगा हुआ होगा। अब इधर का दोनों पिन इसका दोनों पैर आपस में शॉर्ट करेंगे और ड्राइवर सिग्नल से कनेक्ट करेंगे, और 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे जो सिंगल है। अब यहाँ जो इसका बीच वाला सेंटर पिन है हम इसी के पास रखेंगे जिधर दोनों पैर शॉर्ट हुआ है, आप ध्यान से देखिए, और धीरे धीरे स्क्रू ड्राइवर या पेचकस की मदद से हम घुमाएंगे और उसका साउंड की कोई। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बस ऐसा ही इस प्रीसेट की सेटिंग होती है, आप एक बार फिर देख लीजिए। जिधर दोनों पिन शॉर्ट हुआ है, दोनों टांग इसका शॉर्ट हुआ है आपस में, उसी साइड में इस बीच वाले पिन को रखा हूँ जिधर शॉर्ट नहीं हुआ है, इसका दूरी थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रीसेट की सेटिंग के लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है, दो पैर जिधर शॉर्ट हुआ है उधर ही हम बीच वाले पिन को एडजस्ट करेंगे, जो सिंगल पैर हुआ है इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और स्क्रू ड्राइवर या पेचकस की मदद से घुमा करके इस साइड ज़्यादा नहीं घुमाना है। अगर प्रीसेट की वैल्यू ज़्यादा है, 47 किलो ओम्स, 50 किलो ओम्स, 100 किलो ओम्स, तब इससे ज़्यादा घुमाइए। प्रीसेट की वैल्यू अगर कम है, मान लीजिए कि प्रीसेट ये 47 किलो ओम्स का है, अगर आपके पास प्रीसेट 4K7 यानी 4.5 किलो ओम्स का होगा, 10 किलो ओम्स का होगा, तो उसको बिल्कुल जिधर दोनों पैर शॉर्ट है उसी के नज़दीक रखना है, ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, नहीं तो 12 वोल्ट पॉजिटिव ज़्यादा आ जाएगा इस ड्राइवर सिग्नल में, और ये ड्राइवर सिग्नल जानते हैं क्या नुकसान करेगा, इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर ज़्यादा पॉजिटिव वोल्ट देगा और इसका नुकसान हो जाएगा, ये जल जाएगा, ये हीट होगा। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा।